टू आवर चैनल रोहिणी एसएस। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी डिश जैसा कि आप सुनते हैं राजस्थान की सबसे फेवरेट डिश जिसको बोली जाती है, या फिर तो हलवा ले लो या फिर लापसी। तो लापसी ही आज हम बनाने वाले हैं। देखिए कैसे बनानी। सबसे पहले आपको चार कटोरी जो है वो दलिया ले लेना है, बारीक पीसा हुआ गेहूँ जो है वो। उसके अलावा आपको 8 कटोरी जो है यहाँ पर वाटर ले लेना है और फिर उसको जो है वो गर्म करना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल में आपको बहुत सारी रेसिपीज़ के बारे में दिन ब दिन जो है वो नई नई डिश जो है वो बनानी सिखाते हैं हम यहाँ पे। आपको यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस मिलती है, आपको यहाँ पे राजस्थानी, प्योर राजस्थानी टेस्टी, मतलब जितना कम खर्चे में हम अच्छे जो चीज़ बना पाएंगे वही हमारा एम रहता है। चलिए, तो जब तक गर्म हो रहा है पानी, जब तक मैं आपको बता दूँ और भी हमारे चैनल के बारे में कि यहाँ पर हम ऑल टाइप डिशेस, अगर आपको किसी भी राजस्थानी डिश के बारे में जानना भी है कि सर हमें या मैम हमें जो है, तो इस हिसाब से कुछ भी आपको रेसिपी के बारे में कभी भी कुछ जानना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी उस राजस्थानी डिश को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने। ठीक है, चलिए हैं हमारे किचन में चलते हैं। चलिए, गुड़ हमने ले लिया है और गुड़ 4 कटोरी आपको लेके उसको भी गर्म करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम टॉपिक पे थे कि बहुत सारी राजस्थानी डिशेज जैसे कि लापसी है, और आने वाले टाइम में जैसे सर्दी आने वाली है तो हम उस समय जो गोंद के लड्डू होते हैं बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के काल में जो लड्डू हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने गुड़ ले लिया है, गर्म पानी यहाँ पे हो रहा है और जैसे ही गैस में हमने अभी कुकर को रख दिया है और कुकर की फ्लेम जो है हमने गैस की लगा दी। ठीक है, उसके बाद में आगे प्रोसेस क्या है उसको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। गर्म पानी में हमने जो गुड़ लिया था 4 कटोरी उसको हमने डाल देना है और उसको वहाँ पे गर्म करना है। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो जो दलिया है जो गर्म हो रहा है इसको अभी फ्राई करना है घी में। देखिए, प्योर देसी घी लेने का रीज़न क्या है, 4 चम्मच घी लेना है। देखिए, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच जो है वो घी लिया। चलिए, तो घी ले लिया है 4 चम्मच। घी जो है प्योर गाय का लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना में, जैसा कि आप जानते हैं, इम्यूनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हमने घी के बाद अभी जो दलिया था उसको घी के अंदर ऐड कर लिया है और सौंफ हमने ऐड की है ताकि इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इस सौंफ से कि आप लापसी जो है खाते ही रह जाएंगे। ठीक है, अब हमें वापस से इसको भी दलिया को पूरा ऐड कर लेना है और इसको अब हमने जो है हिलाना है जब तक कि ये ब्राउन कलर सा नहीं हो जाए, मतलब जब तक ये पक नहीं जाए पूरा, जब तक उसको हमको अच्छे से हिलाना है। ठीक है, आप कुकर की जगह जो है भगोने भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुकर में हम इसलिए कर रहे हैं कि झटपट बन जाए, और आप जानते हो हमारी झटपट रसोई, झटपट किचन। ओके, तो अब आगे इसको जैसे कि हमको अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए, जैसे थोड़ा थोड़ा आप दिख रहा होगा ब्राउनिश कलर का हो रहा है, टोटली जब ये ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाएगा उस समय हम इसको फिर आगे गुड़ जो है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा जो ये ब्राउन कलर में होता हुआ नज़र आ रहा है, जब तक आपको इसको स्ट्रायल करना है ना, हिलाते रहना है ताकि क्या है ना कि नीचे वो पैंदे पे जमे नहीं और अच्छे से वो पके, प्रॉपर वे में सब जगह से वो पकना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी ज़रूरत लग रही थी कि घी थोड़ा सा और ऐड किया जाए, तो हमने वो आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से घी भी वापस से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा और आप देख रहे हो बीच बीच में ये जो है ब्राउन कलर में दिख रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो है गुड़ और वाटर जो है वो गर्म हो चुका है और ये जो गुड़ की जो चाशनी टाइप आप बोल सकते हो ये रेडी हो गई है। अब हमें इसको इस लापसी में ऐड करना है, तो जैसे ही ये अच्छे से गर्म हो जाए उसको हमने लापसी में ऐड करना है। ठीक, जब तक इसको आपको अच्छे से स्ट्रायल करना है ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जावे 5 मिनट तक। ठीक है, इसके बाद अच्छे से ये ब्राउन हो गया। अब ब्राउन होने के बाद इसको आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, आपको विजुअल एक बार दिखने से पता चल जाएगा कि ये किस हिसाब से सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा गुड़ जो है वो गर्म हो चुका है पानी के साथ, एकदम सही से देख लिया हमने, चाशनी बहुत अच्छे से बन गई है। तो अगर आप घी जो है वो गाय का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप मार्केट से कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा अगर किसी को घी खाना हो, बच्चों को घी खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसमें प्लेन घी तो भाता नहीं है बच्चों को, इसलिए हम उसको लापसी में बनाकर
ये जो पीसेज हैं ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बॉडी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो बारीक गेहूँ पसीवा जो खाते हैं इस घी के साथ, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इंटेस्टाइन जो है हमारे बॉडी में उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, मूवेबिलिटी बढ़ती है और पाचन क्षमता जो है वो बढ़ती है बच्चों की। ठीक है, अब इसी को हम अच्छे से देखिए। अब ये देखें, आप देख रहे हैं इसमें ब्राउनिश कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब इसको आपको गुड़ को यहाँ पे ये जो चाशनी हमने बनाई है इसको आपको ऐड करना है, और इसको छान इसलिए लिए हैं क्योंकि कोई कचरा वचरा होगा तो वो साइड में रह जाएगा। तो जैसे ही आप इसको ऐड कर लोगे चाशनी में तो ये थोड़े गर्म होने के कारण थोड़ा उबाला मारेगा, और जो सौंफ है, सौंफ का जो इसमें टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए आप सौंफ भी थोड़ी सी ऐड जैसे कि हमने की अभी। अब इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है बस। तो आगे हमें इस कुकर को बंद कर लेना है अच्छे से टाइटली। ठीक है, कुकर को बंद करने के बाद आप दो, वो इस पर आप रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, बट दोस्त बहुत ही अच्छी देखिए, आहा क्या दिख रही है, बहुत ही अच्छी लापसी हमारी बन गई है और रेडी हो गई है, और कितना अच्छा कलर, ये जो कलर है इस कलर को आप देखिए, केसरिया कलर जो है आता है, और ये लापसी जो है हर सेलिब्रेशन पे आप बना सकते हो, बर्थडे पे बना सकते हो, बच्चों के सुबह में जो है नाश्ते में आप बना सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह जो घी और ये गेहूं का जो मिक्सन है वो बहुत ही हेल्दी है, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, और हमारे राजस्थान में तो सबसे फेवरेट डिश जो है वो लापसी है। तो उसके बाद आप नट्स और काजू बादाम कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।